सो हेलो गाइस, मैं उदयराज और स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली चीज़, जो लोग यहाँ पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल और वीडियो दोनों को ही अपने फ्रेंड्स के अंदर फुल शेयर कर दो। जितना वायरल कर सकते हो उतना वायरल इस वीडियो को कर दो, ठीक है। अब दूसरी बात, जो लोग किसी और बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, तो भाई देखो, व्याकरण सब जगह एक जैसी होती है, राइट। तो अगर ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके बोर्ड के अंदर हैं, तो आप भी देख सकते हो ना यार। CBSE में है तो भाई CBSE वाले तो देख ही रहे हैं। अगर आप किसी और बोर्ड से हो तो आप लोग भी देख लो, ठीक है। इसीलिए मैंने थंबनेल के अंदर CBSE वाला टॉपिक नहीं डाला, क्योंकि ये सारे बोर्ड्स के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैं चार चीज़ें पढ़ूंगा। सबसे पहली है रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरी है रस, फिर पद परिचय और वाक्य वाच्य, जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं, उसमें से मैं आपको बताता हूँ। तो अब सबसे पहले चीज़, हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई CBSE की डेट शीट जो है वो आज आ जाएगी, ठीक है। अगर अभी तक आ गई है तो जल्दी से चैनल के ऊपर जाओ, वहाँ पे लाइव सेक्शन चल रहा है और वहाँ पे उसकी डिटेलिंग चल रही है, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं आई है तो जल्दी आ जाएगी। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 अक्टूबर को, पर जब मैं इसको अपलोड करूँगा तो 18 अक्टूबर हो जाएगी, और 18 अक्टूबर को ही CBSE ने कहा था कि वो डेट शीट लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो अभी जाओ चैनल के ऊपर और देखो कि डेट शीट आई है कि नहीं आई है। ऑफिशियल डेट शीट है ना यार, हम लोग कुछ फेक चीज़ें तो बताते ही नहीं, ठीक है। तो रचना के आधार पर जो है ना, इनके तीन भेद हैं, ठीक है। रचना के आधार पर तीन प्रकार को हो या भेद को, बात एक ही है। सबसे पहला है हमारा सरल वाक्य। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर ही हम लोग किसी और के बारे में, किसी और के ऊपर चलते हैं। तो सरल वाक्य, जैसा कि अपन को पता चल रहा है कि भाई ये हमारे शक्तिमान वाले गंगाधर हैं, जिसने नहीं देखा वो देख के आ जाओ, ठीक है। यानी कि एकदम नॉर्मल सेंटेंस है, सीधा सा सेंटेंस है, एकदम नॉर्मल लाइन का, ठीक है। जैसे कि ये देखो, यहाँ के ऊपर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य और विधेय एक ही होता है। अब देखो, अगर मैं उद्देश्य और विधेय को समझाऊंगा तो ऐसा समझ लो कि जो वो लाइन है ना, उसका मोटिव एक ही होता है, मतलब कि वो एक जगह फोकस कर रही है, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट लाइन है। अब कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखो, राम बाजार जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा मैं एक और बताता हूँ, माँ ने खाना बनाया। दूसरा, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, ठीक है। और एक और, गाड़ी छूट रही थी, ठीक है। एक और, वर्षा हो रही थी। एक और, राम ने रावण को मारा। ये कुछ सेंटेंस है, इसमें एक चीज़ कॉमन दिख ही रही होगी, राइट। इसके अंदर ये चीज़ कॉमन है कि सारे के सारे सेंटेंस कॉमन है, मतलब कि वो सारे नॉर्मल सेंटेंस हैं, उनके अंदर कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है, बस इसके अंदर इतना ही है। अब अपन आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, जो है हमारा मिश्रित वाक्य, ठीक है। मिश्रित वाक्य के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, और वो दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि आश्रित होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख लो कि जिसमें एक प्रधान, ये रहा देखो मिश्र वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा बाकी के आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी कि ये कंप्लीट वाक्य नहीं है, ये सिर्फ एक उपवाक्य है जो मिलके, जो दूसरे उपवाक्य के साथ मिलके एक बड़ा वाक्य बना रहा है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल देखो कि राम बाजार इसलिए नहीं गया क्योंकि सीता घर ही थी। अब इसके अंदर कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं, पर मैं पहले कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे कि वो वर्ड जो है आपके ब्रेन के अंदर चले जाएँ, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है, बिजली आई और बल्ब चालू हो गया, ठीक है। मैंने पैसे दिए और कलम खरीदी। वह लड़का कक्षा में प्रथम आता है क्योंकि उसके पिताजी अध्यापक हैं। इसमें एक दो वर्ड्स कॉमन है, राइट। यस, तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स कॉमन है, जैसे कि क्योंकि और इसलिए, तीन वर्ड्स इन सभी सेंटेंस के अंदर कॉमन है। पर इसके अंदर एक चीज़ और कॉमन है जो शायद कुछ लोगों ने नोटिस की होगी, वो ये है कि फर्स्ट वाला सेंटेंस और दूसरा वाला सेंटेंस दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम लोग एक वाले को देखते हैं, जैसे कि बिजली आई,
ठीक है भाई, बिजली आई, पर क्यों आई, कब आई, कैसे आई और किस लिए आई, ये हमको नहीं पता, और आई तो क्या हुआ ये भी हमन को नहीं पता। पर सरल वाक्य के अंदर क्या हुआ था, वर्षा हो रही थी, हाँ भाई हो रही है, ये तो सत्य है। पर इसके अंदर बिजली आई, ये भी सत्य है, पर इसके बाद भी एक सेंटेंस जुड़ता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, इजी भाषा में अगर मैं बताऊँ, शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ, तो इसके अंदर एक बड़ा वाक्य होता है जिसके अंदर दो डिपेंडेंट वाक्य होते हैं, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और ये जो दोनों उपवाक्य या फिर जो डिपेंडेंट वाक्य हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं कुछ शब्दों से, जैसे कि और, इसलिए और क्योंकि, इन तीन शब्दों से। ठीक है, अब आ गया लास्ट जो कि हमारा संयुक्त वाक्य। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना योजक शब्द लगते हैं, योजक शब्द, जैसे कि और, या, तथा, एवं, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु। अब कहोगे कि भाई और जो था वो तो मिश्र वाक्य के अंदर भी आ रहा था। यस, आप सही कह रहे हो कि और जो था वो मिश्र वाक्य के अंदर भी आ रहा था, पर इसके वाले के अंदर जो और आ रहा है ना वो अलग है। जैसे कि देखो, इसके अंदर क्या एक उदाहरण है कि राम बाजार गया और सीता बाजार गई। ठीक है, दोनों ही जो वाक्य हैं, एक मिनट, इसमें लगता है, हाँ तो देखो इसके अंदर क्या है कि दोनों ही जो वाक्य हैं अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी हमने उनको ज्वाइंट कर रखा है। जैसे कि मैं एक और बताता हूँ, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। अरे भाई ये तो दोनों ही अलग अलग बात है। एक और बताता हूँ, पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। ये दोनों भी अलग अलग बात है। ठीक है, एक और बताता हूँ, बुढ़ापा आ गया था किंतु देख जवानी वाली थी। ठीक है, तो ये मैं बना नहीं रहा हूँ, मेरे सामने बुक खुली हुई है, मैं उसमें से बता रहा हूँ। ठीक है, एक और बता दो, वो ज़्यादा अच्छा है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है भाई, वो सुबह गया, ठीक है भाई, वो शाम को लौट आया, इससे हमको गया। तो ये दोनों जो हैं अलग अलग हैं, और ये कुछ योजक शब्द जैसे कि और, किंतु, इन शब्दों से मिलके बने हुए हैं। मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है यार, दो इंडिपेंडेंट वाक्य हैं, यानी कि वाक्य को दो वाक्य हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक बड़ा वाक्य बना रहे हैं, और मिश्रित वाक्य के अंदर ऐसा था कि उसके अंदर दो उपवाक्य हैं और मिलके एक वाक्य बना रहे हैं। एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम में एक सेंटेंस लिखा हुआ आ सकता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेंटेंस है। वो तो मैंने बता दिया कि भाई जो ऐसा सेंटेंस दिख रहा है वो हमारा मिश्र वाक्य है, जो ऐसा दिख रहा है वो संयुक्त वाक्य है, ये तो मैंने बता लिया, ये तो आप पहचान लोगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है जो होता है कन्वर्ट, मतलब कि आपको संयुक्त सरल वाक्य का इसमें बहुत कम आता है, आपको संयुक्त वाक्य दे देंगे, आपको उसको मिश्र वाक्य के अंदर कन्वर्ट करना है। संयुक्त, इससे पहले संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य के अंदर कन्वर्ट करो, पहले याद कर लो कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और मिश्र वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, फिर आप लोग इसको इजीली कर पाओगे। अब अपन चलते हैं रस के ऊपर। रस कोई गन्ने का रस या फिर मैंगो जूस नहीं है, ये जो है ये हमारे व्याकरण वाले रस हैं, बहुत ही ईजी है। मुझे पहले बहुत हार्ड लगते थे, हमारे स्कूल में क्या होता था कि जो छोटे, मतलब छोटी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ बिठाते थे। ठीक है, तो मेरे को एक भैया के साथ बिठाया था, मैं उस टाइम 8th में था, तो मुझे एक भैया के साथ बिठाया था, वो 10th में थे। ठीक है, तो मतलब लिटरली मैं क्या बताऊँ, होप सो कि वो वीडियो ये ना देखें। ठीक है, होप सो कि वो ये वीडियो उनके पास कभी नहीं जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि वो बैठे होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि उनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं, और उनका हिंदी का पेपर होता है, और फिर वो रस वाले में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो इंसान अब बुक खोल के भी नहीं देखता है तो उसको क्या बताओगा कि रस क्या चीज़ है, और रस भी मतलब ऐसा वर्ड है जो हमारी डेली लाइफ से अटैच्ड है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई ये जो रस है ये कोई ना कोई पीने की चीज़ होगी, पर क्या जाने व्याकरण में ऐसे रस होते हैं। तो वो आधे घंटे तक उसी रस को लेके बैठे हुए, मतलब इसी टॉपिक को लेके बैठे हुए, पर उनका फिर कुछ ना हो सका। ठीक है, और वो पता है वो भैया मेरे फ्रेंड बन गए थे,
क्योंकि उनको इंग्लिश और हिंदी में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, इसलिए वो पास हो गए थे, जस्ट पास्ट। मैं समझ रहा था बस अब तो मैं 10th को फोड़ दूंगा, 10th बोर्ड तो बस छुट्टियों के काम है। पर जब आया तब पता चला कि हाँ इजी तो है, पर पता है ये MCQ वाला हो गया ना, ये और भी अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। टर्म टू में भी 50% कोर्स आ रहा है, टर्म वन के अंदर भी 50% आ रहा है, हमारे ऊपर इतना लोड रहा ही नहीं है। ठीक है चलो बकवास को छोड़ देते हैं, अब आते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। तो हमारे हिंदी के अंदर कुछ ज़्यादा रस होते हैं, पर हमारे 10th के अंदर सिर्फ 11 रस आ रहे हैं। तो ये हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस। गला खराब हो जाता है यार। हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विपत्ति रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इन रस को याद रखो, और इनके जो ये स्थाई भाव है ना, इनको याद रखो। ये जो भाव है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे कि रौद्र रस का हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमको कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से को करना हो। ठीक है, अब रस का मतलब क्या होता है, रस का अगर हम लोग मतलब देखें ना, तो इसका ये मतलब होता है कि मतलब जैसे कोई लाइन है, ठीक है, उस लाइन को पढ़ के आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, उसको हम लोग रस कहते हैं। जैसे कि वो इंडिपेंडेंस डे वाला वीडियो याद है ना, हाँ, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि मैंने कुछ पोएम्स पढ़ी थी, कविताएं पढ़ी थी, और उनको पढ़ के फिर भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्साह। तो ये किसका था, उन कविता के अंदर वीर रस का यूज़ किया गया था। मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह, एनर्जी आ गई थी, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे उन लाइंस को पढ़ने के बाद या फिर सुनने के बाद। तो उसी चीज़ को हम लोग रस कहते हैं, और उसी को हमने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं, और यहाँ पे बताया हुआ है कि हम इनका कैसे कब यूज़ करते हैं। अब श्रृंगार रस का हम लोग कब यूज़ करते हैं, श्रृंगार रस का जैसे कि हम लोग सूरदास का ही ले लेते हैं। ठीक है, निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते स्वाम सिधारे। यानी कि ये रति या फिर जो लाइंस के थ्रू या फिर जो प्रेम होता है ना, उसको ये डिनोट करते हैं। ठीक है ना, श्रृंगार रस। समझ में आ रहा है कि श्रृंगार रस किसके लिए यूज़ होता है। अब हम लोग आते हैं हास्य रस के ऊपर। हास्य रस के अंदर मतलब कि हमको उस लाइंस को देख के मज़ा आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। खैर ये लाइन मेरे सिर के ऊपर से गई है, पर भाई ये है हास्य रस, तो क्या कर सकते हैं। मज़ा तो मेरे को बस इतना आया कि 10 साल से हिंदी पढ़ रहा हूँ, पर ये लाइन मेरे ऊपर से होके चली गई है। ठीक है, अब करुण रस, इसके अंदर शोक यानी कि दुख प्रकट होता है। ठीक है, अब लाइन को मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है यार पढ़ लेता हूँ, हंस लो हंस लो। ठीक है, तो करुण रस के अंदर क्या होता है कि शोक बिकल सब रोही रानी, रूप सिलो बिलो तेजू बखानी। ऐसा लग रहा है किसी को मतलब बड़ा ही कोई यज्ञ कर रहा हूँ, खतरनाक वाला। करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बिरा। मेरे को ना कि मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि तू हनुमान चालीसा पढ़ रोज डेली सुबह सुबह, तेरी मेमोराइजिंग पावर अच्छी होगी। मैंने एक दो वर्ड पढ़े, देखो किसी के बारे में मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हाँ किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बुरा फील मत करना और कोई भी हर्ट मत करना, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब वो जो मेरा फ्रेंड था, बिना देखे क्या, बिना सांस ले वो एक ही सांस में पूरी हनुमान चालीसा बोल लेता था। अब भाई मेरे को तो आती नहीं थी, अब क्या पता वो एक ही लाइन को 2 बार बोलता था या फिर उसी लाइन को बार बार बोलता था, मुझे तो भाई कुछ समझ में आ नहीं रहा था। पर वो बोले जा रहा था, मुझे भी अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा था, अरे वाह मज़ा आ गया। ठीक है, तो मैंने भी सोचा कि हाँ यार ठीक है चलो। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। ठीक है, वेट अ मिनट, सॉरी थोड़ा सा वर्क आ गया था। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, तुलसीदास जी वाला निपट गया था, वीर रस के ऊपर थे। वीर रस के अंदर उत्साह प्रकट होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है,
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अरे वाह, ये तो बढ़िया मोटिवेशन वाला यार। तो बस ये स्माइल जो आई ना चेहरे के ऊपर, ये तो है उत्साह रस, नहीं मतलब वीर रस, अब रौद्र रस। श्री कृष्ण ने सुन वचन अर्जुन, शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। इससे अपन को ये बात तो पता चल रही है कि कोई ना कोई किसी को धमका रहा है, और धमका रहा है वहाँ गुस्सा तो होता ही है, और गुस्सा जहाँ होता है वहाँ पर रौद्र रस तो होता ही है। एक और आता है हमारा भयानक रस, मैं सारे नहीं बताऊँगा, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर एक म्यान से पढ़ते रहना, ठीक है। बस अब मैं कुछ PDF से, ये भाई वीडियो एडिटर का यूज़ करना पड़ता है यार, क्या करूँ। ठीक है, ये पद परिचय, ये PDF है वैसे, कितने पेज की है ये 3 पेज की हो सकेगा तो मैं भेज दूँगा। ये होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बचपन से 10 साल में जितना भी हिंदी सेकंड पढ़े हो ना तुम, आप लोग, तो उस पूरे हिंदी सेकंड को यहाँ पे डाल दो, ठीक है। जितना भी हिंदी सेकंड आज दिन तक पढ़ा है ना, सारा हिंदी सेकंड यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि एक सेंटेंस दे देंगे, उस सेंटेंस को आपको बताना है कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसे कि देखो इसमें क्या क्या आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मतलब बचपन से जो कुछ भी पढ़ा है ना सब कुछ आ रहा है, और एक्स्ट्रा भी आ सकता है। जैसे कि मोहन पत्र लिखता है, ऐसा समझ लो कि ये हम स्टूडेंट्स के लिए मतलब ऐसा है कि बहुत खतरनाक वाली चीज़ है, बहुत कम ही कर पाते हैं। तो देखो इसके अंदर मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, लिखता है, क्रिया का करता है, आधे वर्ष तो ऊपर से होके जा रहे हैं, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि MCQ वाला पेपर है, इसीलिए मैं कह रहा था MCQ वाला इज़ द बेस्ट। मैं कहता हूँ Term 2 जो है ना वो भी MCQ पे होनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होंगे, ऑप्शंस लिखे होंगे, उन ऑप्शंस में से एक को सेलेक्ट कर लेना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यानी कि, ठीक है, 4 मार्क्स के आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे, एक छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। अब ऑप्शंस हैं इसलिए क्वेश्चन इजी हो रहा है, नहीं तो भाई जब खुद लिखना पड़ता ना बहुत हार्ड हो जाता। इसमें अब मैं क्या ही पढ़ूँ, इसमें आपको सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन सारी चीज़ों को भाई साहब क्या करो, ठीक है। तो इन सबको पढ़ लो, जितने एग्जांपल्स पढ़ोगे उतना ही दिमाग चकराएगा, इसलिए 1-2 एग्जांपल्स पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं इसमें अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा टाइम भी वेस्ट होगा और ना ही तो कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अपन सीधा चलते हैं हमारे वाच्य के ऊपर, ये रहा वाच्य, वहाँ पे वाक्य क्यों लिखा हुआ है, क्या की जगह 6 लग गया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कर्तावाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तवाच्य या फिर कर्तावाच्य जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जिस वाच्य में कर्ता के उद्देश्य के रूप में, अरे यार इन सब को छोड़ो मैं सीधी भाषा में बताता हूँ, इसके अंदर जैसे कि देखो सचिन घर जा रहे हैं, लड़कियाँ गीत गा रही हैं, इस वाक्य के अंदर जो है लिंग वचन संबंधित के अनुसार जा रहा है, गा रही हैं, पढ़ती हैं, ये जो क्रिया है ना यहाँ पे मतलब जो करता है यानी कि जो काम कर रहा है ना वो क्या काम कर रहा है उसको एक्सप्लेन करते हैं कर्तावाच्य के अंदर। अब कर्मवाच्य के अंदर क्या होता है कि कर्मवाच्य के अंदर जैसे कि धीरज द्वारा, छोड़ो मेरा एग्जाम्पल्स मेरे को ही समझ में नहीं आते, ठीक है, मेरे द्वारा कहानी कही जा रही है, जिस चीज़ के अंदर द्वारा आ गया ना उसके द्वारा, तुलसीदास द्वारा, सूरदास द्वारा, इसके अंदर द्वारा आ गया मतलब कि वो है हमारा कर्मवाच्य। तीसरा आता है हमारा भाववाच्य, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भाव आते हैं जैसे कि मैं उठ, ठीक है, इसमें जैसे कि बच्चों से चुप बैठा नहीं जाता जाता, या फिर इसके अंदर लास्ट में आ की मात्रा आएगी जो भी सेंटेंस है, और
जो भी जैसे नॉर्मल वर्ड है, जैसे कि मैं चल नहीं रहा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि मुझसे चला नहीं जाता, ऐसा वर्ड सेंटेंस हो जाएगा। और ये क्या है, देखो भाई लोग, ये जो पीछे है ना ये, ठीक है, तो मैं हूँ भाई मेरी क्लास के अंदर थर्ड पोजीशन के ऊपर, और ये जिस चीज़ जिस भी जने की कॉपी है वो है फर्स्ट जने के ऊपर। ये मेरे स्कूल ने प्रोवाइड किया था PDF, ठीक है। अब देख लो भाई, अब अगर मैम चाहते, यानी कि जो हमारे हिंदी के टीचर, वो चाहते तो वो इस कॉपी को साइड में भी रख सकते थे, पर नहीं रखी। क्यों? क्योंकि उन्हें टॉपर की राइटिंग दिखानी है यार, है ना। अब ऐसी राइटिंग तो मेरी है नहीं, और अब अगर मैं राइटिंग को लेके बैठूंगा तो भाई मेरे तो टाइम वेस्ट होगा। अब इसके अंदर भी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज करने का आएगा, जैसे कि यहाँ पे कर्मवाच्य है उसको कर्तवाच्य में चेंज करना है, भाववाच्य है उसको कर्तवाच्य के अंदर चेंज करना है। अब जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उनके लिए एक सरप्राइज़ है। क्या सरप्राइज़ है? वो सरप्राइज़ ये है कि सुमित निर्वाण भैया ने बीच में एक वीडियो डाला था पसड़ करके या फिर ऐसा कुछ करके, उसका नाम है, राइट, याद है? तो वैसा ही वीडियो एक और आ रहा है जिसका नाम रहेगा ब्लैंक। नहीं, सुमित निर्वाण भैया का नहीं आ रहा है, हमारा यानी कि मेरा आ रहा है, ठीक है। और वो आएगा, और जैसा कि बसड़ था कि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम उसके अंदर थी, वैसा ही इसके अंदर भी आएगा। सो प्लीज़ ज़रूर देखना, और देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा फेमस होता है, क्योंकि वह सब्सक्राइबर्स, लाइक्स और कुछ ना कुछ तो करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। तो देखो, इसमें ट्रिक्स के पीछे टाइम वेस्ट मत करना, हिंदी सेकंड बहुत इजी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको याद रखो और सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर यहाँ तक देखा है आप लोगों ने, थैंक यू सो मच।